हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टूडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं डीजे साउंड सिस्टम के अंदर, वो स्टेबलाइजर जलता क्यों है, इसके जलने के क्या है। दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसी के कारणों के अंदर से मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कारण बताने वाला हूँ स्टूडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि जो हमारा साउंड सिस्टम के अंदर जो डीजे हम यूज करते हैं, उसके अंदर जो हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, वो जलता क्यों है। तो बेसिकली दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है, वो आप सभी जानते हैं कि जो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 10 KVA का, यानी कि 10 KW का या 10 KVA का जो स्टेबलाइजर है, वो उसकी लिमिट होती है कि वो कहाँ तक लोड झेल सकता है। 10 KVA वाला जो स्टेबलाइजर होता है, वो आपको 8-9 KW या ज्यादातर मैक्सिमम 10 KW तक का भी लोड झेल सकता है। बट उस पे क्या है, अगर हम ज्यादा लोड डाल दें 10 KW वाले स्टेबलाइजर पे, क्या है अगर हम 12 KW या 13 KW या 14 KW तक का भी अगर हम ओवर लोड डालते हैं, तब उस कंडीशन में भी स्टेबलाइजर जलता है। तो दोस्तों, क्या है, ये तो हो गया मेन कारण, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है स्टेबलाइजर के जलने का। जो दोस्तों, जो दूसरा कारण है, उसको मैं क्या है स्टेबलाइजर के थ्रू समझाता हूँ आपको। तो चलिए हम स्टेबलाइजर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्या है जो दूसरा मेन कारण है जो मैंने फील किया है, वो कारण ये है कि जो आपका जो स्टेबलाइजर होता है उसका जलने का। जैसे कि मैंने इस स्टेबलाइजर को आपके सामने यहाँ पे लाइट के ऊपर चला रखा है, तो लाइट के अंदर से मेरे को यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर 220 वोल्टेज के समथिंग आ रहा है। तो मैं इसको जैसे ही ऑन करता हूँ, यहाँ MCB जो ऑन करता हूँ, मेरे को क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है, वो मिल रहा है 210। तो मैं अगर इसको वोल्टेज बढ़ाऊंगा यहाँ से, जो मेरे को चाहिए अंदर एम्पलीफायर्स के अंदर, वो यहाँ से मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा दो नंबर पे, तो यहाँ पे बढ़ाऊंगा मैं दो नंबर पे, तो यहाँ पे बढ़ के हो गया है 215 की समथिंग। फिर बढ़ाऊंगा मैं तीन नंबर पे, तो यहाँ पे वोल्टेज हो चुका है 225 के समथिंग। अगर मैं जिसको और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो ये क्या है 200-250 के ऊपर शायद MCB ऑफ होता है। तो यहाँ पे क्या है, चार नंबर पे जा चुका है यहाँ वोल्टेज बढ़ाने की जो क्षमता होती है स्टेबलाइजर की, तब जाके मेरे को यहाँ पे 230-235 के समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, अगर मैं जो क्या है स्टेबलाइजर को अगर कनेक्ट कर रखा है लाइट से, तो मेरे को क्या है ये जो 230 वोल्टेज अगर जो मेरे को चाहिए, वो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे जो स्टेबलाइजर होता है इसका एक दो नंबर पे मिलना चाहिए, एक दो नंबर तीन नंबर तक ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है कि अगर मैं ज़्यादा स्टेबलाइजर पे लोड डालता हूँ, जैसे कि अभी ये आपके सामने पाँच नंबर पे है, तब जाके मेरे को वोल्टेज मिल रहा है 240-245 के बीच में। कई बार कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि जो हमने जनरेटर पे लगा रखा है इसको, तो जनरेटर के अंदर अल्टरनेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमें क्या है वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं, जिसे हम क्या है इसको ज़्यादातर 6-7 तक भी कर देते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका जनरेटर होता है, वो क्या है जो आपका सही से वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। हमें जो वोल्टेज चाहिए, यानी कि 220-230 जो वोल्टेज चाहिए होता है, हम सारा स्टेबलाइजर के ऊपर जोड़ लगा करके करेंगे, यानी कि 5-6-7-8 तक का जो वो यहाँ बढ़ाने का होता है, उस पर क्या है बढ़ा देते हैं, जिससे हमें वोल्टेज मिलता है। बट दोस्तों, क्या होता है इस कंडीशन के अंदर आपका जो स्टेबलाइजर होता है, उसके अंदर जलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो कैसे, क्योंकि अगर हम जो ये स्टेबलाइजर है, इसको हम एक दो या तीन नंबर तक रखेंगे, तो उसके अंदर क्या है जो आपका स्टेबलाइजर होता है, इस पर ज़्यादा लोड नहीं रहता है, क्योंकि इसको जो वोल्टेज चाहिए होता है हमें, इसके द्वारा वो वोल्टेज डायरेक्ट जो जनरेटर होता है उससे हमें मिल रहा है 220-230 तक, एक दो नंबर तक या तीन नंबर तक। तो इस पर क्या होता है दोस्तों, कारण कि जो आपका स्टेबलाइजर होता है, इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं मिलता है। और अगर हम जैसे कि 4-5-6-7 तक भी बढ़ाते हैं ना, तब क्या है पूरा लोड जो होता है आपके स्टेबलाइजर पे बनता है, क्योंकि जो आपका जनरेटर होता है ना, वो तो वोल्टेज बना नहीं पा रहा है, तो हमारे जो वोल्टेज बनाने के अंदर हेल्प करता है स्टेबलाइजर उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो आपका स्टेबलाइजर होता है, उसके जलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका जो जनरेटर जो है वो वोल्टेज नहीं दे पाता है, आपको जो 220-230 चाहिए होता है, तो उसको क्या है कि आपको जनरेटर को सही करवाना चाहिए, ताकि आपका जो जनरेटर ही है वो खुद से ही आपको 220-230 जो आपको वोल्टेज चाहिए होता है वो दे, जिससे क्या है कि आपके स्टेबलाइजर पे जोड़ नहीं पड़े, यानी कि लोड ज़्यादा नहीं पड़े। तो आपको क्या है एक दो नंबर या तीन नंबर तक आपको वो वोल्टेज मिल जाता है, जिससे आपके स्टेबलाइजर के जलने के चांसेस कम रहता है। दोस्तों, क्या है ये रीज़न हुआ है क्योंकि मेरे सामने का कुछ प्रोग्राम था, उस टाइम पे क्या है जो जनरेटर था वो अच्छे से वोल्टेज नहीं बना पा रहा था, तो वोल्टेज बढ़ाने के चक्कर में किसी भाई ने
अपना जो वोल्टेज था यानी कि जो स्टेबलाइजर था उसका वोल्टेज बढ़ाने का था, जो उसको 6 से 7 नंबर तक बढ़ा करके वो 220 या 230 वोल्टेज अरेंज कर रहा था। तब उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि एक घंटा या डेढ़ घंटा जो प्रोग्राम था नाइट का लाइव प्रोग्राम का, उसके अंदर वो चल तो रहा था बट कुछ टाइम के बाद स्टेबलाइजर अंदर से जल गया। वो इसी कारण से हुआ था दोस्तों, क्योंकि वो उसका जनरेटर था जो वो सही से वोल्टेज नहीं बना पा रहा था, सारा जो जोर यानी कि जो सारा जो लोड आ रहा था वो पूरे स्टेबलाइजर पे आ रहा था। तो सबसे कम लोड तब होता है आपके दोस्तों स्टेबलाइजर पे एक या नंबर या दो नंबर तीन नंबर या चार नंबर के अंदर अंदर ही चले फर्स्ट वाली स्टेप के अंदर, तब आपका स्टेबलाइजर ज़्यादा लोड नहीं लेता है। वैसे तो जैसे कि आप जनरेटर की तरफ से भी आप स्टेबलाइजर को लोड दो और जो मशीनें वोल्टेज निकालती है वो स्टेबलाइजर से निकालती है, जिससे क्या है कि आपके जो स्टेबलाइजर होता है इस पे सारा लोड पड़ जाता है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो जनरेटर होता है उसको कंप्लीट रखिए कि वो आपको 220 या 230 जो आपको वोल्टेज चाहिए वो खुद से दे। तो आपको कुछ 5-10 जो वोल्टेज बढ़ाना होता है तो आप स्टेबलाइजर से बढ़ा सकते हो एक नंबर या दो नंबर तीन नंबर से। तो आइए दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको कारण बताया वो आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।